नमस्कार, आप देख रहे हैं इंसाफ की आवाज। मैं पूनम हाजिर हूँ एक नई खबर के साथ। नवरात्र की दसवीं में मूर्ति विसर्जन के साथ ही 9 दिनों तक आयोजित होने वाली दुर्गा पूजा संपन्न हो गई। 9 दिनों तक चलने वाला महापर्व दुर्गा पूजा कोरोना काल के बावजूद हर्षोल्लास के साथ शहरवासियों ने माँ देवी की पूजा अर्चना की। वहीं दसवीं के दिन अगले वर्ष सुख संपदा के साथ फिर से आने की कामना करते हुए उन्हें अश्रुभाव से विदाई दी। वैसे कोरोना गाइडलाइन को लेकर काफ़ी सादगी के साथ ही सीमित कमेटी सदस्यों ने छोटे वाहनों में माँ देवी की मूर्ति नदी घाटों तक ले गए, जहां बहते जल में प्रवाह कर विदाई दी गई। विसर्जन को लेकर पूर्वी सिंहभूम जिला प्रशासन की ओर से सभी पंडालों के कमेटियों को अंधेरे से पूर्व ही विसर्जन कर देने के लिए आग्रह किया गया था। इसके मद्देनज़र प्रशासन के निर्देश का पालन करते हुए 12 बजे से पूर्व ही नदी घाटों में विसर्जन आरंभ हो गया, जिस वजह से शहर के मुख्य चौराहों पर भी प्रत्येक वर्ष की तरह दर्शनार्थी काफ़ी कम दिखे। साक्षी गोल चक्कर में विसर्जन को लेकर शहरवासी उमड़ पड़ते थे, लेकिन इस वर्ष ऐसा कुछ भी देखने को नहीं मिला। जबकि चौक चौराहों में पुलिस बल शांति और सौहार्द बनाने के लिए तैनात थे, वहीं मानगो स्वर्णरेखा नदी घाट में जिला प्रशासन द्वारा बनाए गए मचान से एडीएम नंदकिशोर लाल, एसडीओ संदीप मीणा, जेएनएसी के अधिकारी हर पल की विसर्जन पर नजर रखे हुए थे और ध्वनि यंत्र से कमेटियों को बीच बीच में मूर्तियों के अलावा अन्य पूजन सामग्रियों को नदी में ना बहाकर किनारे में बनाए गए अस्थायी कुंड में डालने का दिशा निर्देश भी प्रदान कर रहे थे, ताकि नदी का जल प्रदूषित होने से बचाया जा सके। गाड़ी बन क्या है, गाड़ी को निकाला है उतने को भी मुझे यहाँ पर पॉइंट श्री के स्थान से मंदिर बना पाए आज अपने वाहन का बाहर करवा लिया। देखिए, जैसा कि दुर्गा पूजा कमेटीज ने प्रॉमिस किया था, सभी लोग माँ दुर्गा की प्रतिमा को छोटी गाड़ियों में लेके आ रहे हैं और घाट पे पानी ज़्यादा होने की वजह से जगह कम है, छोटी गाड़ियों की वजह से बहुत ज़्यादा सहूलियत है और विसर्जन की जो कार्रवाई है वो बहुत ही शांतिपूर्ण तरीके से हर्षोल्लास के साथ पूर्ण की जा रही है। हमको उम्मीद है कि जल्दी विसर्जन पूर्ण हो जाएगा। अभी के लिए बस इतना ही। दिन भर की ताजा अपडेट के लिए हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना न भूलें।